हिसार से सांसद जयप्रकाश के साथ मैं अभी भीतर की भाप कटवाऊंगा। और कलायत का मास्टर प्लान क्या है? एक टाइम था जब कलायत हिसार लोकसभा में होया कर दी, लेकिन फिलहाल एक अग्नि परीक्षा है जयप्रकाश की, क्योंकि समर्थकों का प्यार और प्रेम उसने देखा तो उससे तो लागत जनों बढ़ जाएगी बात। लेकिन भीतर की भाप कटवाऊंगा नेताजी की। और एक खास बात यह नेताजी की, भाई जब मैं किसी नेता द्वारा फोन करा करूँ जी तो बिठ देनों का बोले के पूछेगा, तो ये नेताजी नू कौन कहते मेरे तो बोले के पूछेगा। इसलिए मैंने अपना दिमाग तो कुछ सवाल लिखे हैं और ये वो सवाल हैं जो पब्लिक जनता जानना भी चाहो इनके जवाब। एक बार राम राम जी। राम राम जी। तगड़े हो? तगड़े हो बिल्कुल तगड़े। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ना ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो हूँ तो सबकी अपने अपने बड़का में नजर बढ़ रही है। नू हो रहा काम जेपी मनमोहन रणदीप वाला छोरन देखता हूँ, रणदीप मनमोहन भूपेंद्र वाला छोरन देखता हूँ, भूपेंद्र मनमोहन बीरेंद्र बीरेंद्र वाला छोरन देखता हूँ। चल रहा है कुछ ऐसा? नहीं, किसी को नहीं देखा जाता। हर व्यक्ति अपने अपने लिए काम कर रहा है। जी जी। और सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नहीं देखना। बच्चे हैं तो? जी जी। बच्चे मन के सच्चे? यस। सच्चे सारे? सारे। अच्छे भी? अच्छा माड़े हुए। अच्छा देखो अनु एक कहावत है जी, बोले थोड़ पड़े पत्थर भारी। पहली बार आपने इस बात का एहसास भी होया होगा कि भाई एक ही पार्टी में लगभग 20 साल का आपका गैप बना हो, 20 साल बाद उसी पार्टी का आप एमपी बने हो। नहीं तो आपका एक इतिहास रहा है भाई, अलग अलग पार्टियों से आपने सबका तजुर्बा लिया है, घाट घाट का पानी पिया, सारे लाल मतलब कोई सा लाल ईसा नहीं जो बख्शा हो, देवी लाल बंसी लाल भजन लाल आदि। मैंने किसी भी लाल से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। तो मैंने लाल कुर्सी मना मेरे तो राख ली। अच्छा। लेकिन राजनीति में ना कोई दोस्त होता ना कोई दुश्मन होता, परिस्थितियों के अनुसार। और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की परिस्थिति ऐसी है उसमें सभी लोग समावेश हो जाते हैं, जो भी जो बड़े बड़े नेता है किसी भी पार्टी का हो, शिवाय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, बाकी हिसार के आसपास ही हिसार में ही बात करते हैं। तो स्वाभाविक है 36 साल पहले से हम लगातार लड़ रहे हैं पार्टी पुर्टी, तो अब तो काफी साल से नहीं बदली भाई, 26-27 साल से तो एक ही जगह हो। पहले बदल लेते थे, पार्टी मजबूरन बदलते थे क्योंकि नेता लोग दबाना चाहते थे। और जेपी जिद्दी है? मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं सैद्धांतिक हूँ, सिद्धांत के लिए लड़ा हूँ, यानी के कोई वाजिब बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी दबाव में मुझे कोई रास्ते से हटाना चाहे, मैं हटता नहीं। तो इन लोगों से लड़ाई रही, वो अलग पार्टी में थे हम अलग पार्टी में थे, टीम के हिसार में सूत बैठ गया, सारे इकट्ठे हो गए, तो लड़ाई थी, लड़ाई लड़ी है। सूत क्यों में बैठ गया जी? मैंने क्यों तो करे होगा? मैंने थोड़ा करे, कैंडिडेट तो वो बने हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कैंडिडेट तो वो बने हैं। नहीं, जब आदमपुर का उपचुनाव आप मड़ा हमारे जनता मड़ी उस हार गए थे, तो उसके बाद जब लोकसभा में जब तक रणजीत चौटाला की टिकट अनाउंस नहीं हुई थी, उस टाइम तो पहले तो कॉन्फिडेंस कौन था आप में? जब रणजीत चौटाला की टिकट फाइनल होगी फिर आपने पटका हाथ मारे को आज भाई तो कोई आज उस वक्त तो मेरी ये कौन थी। नहीं, एक बात ये क्या है, रणजीत चौटाला की टिकट होंदे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है क्या? ऐसा क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। रणजीत सिंह अच्छा कैंडिडेट था और बीजेपी की हवा ही खराब थी। अच्छा थी? इब को नहीं, इब तो है ही नहीं। अच्छा, इब हवा ही नहीं? इब कहाँ हवा, पहला खराब हवा थी, इब है ही नहीं। इब तो है ही नहीं, क्या था देखो बताता हूँ, देख लो जो पता लगाओ, बीजेपी की वजह से सब हो रहा है। क्योंकि हमारे जैसे टिकटों का वितरण हुआ लोकसभा का रात को 10-11 बजे से, उससे पहले बीजेपी कहती थी भाई हमारे मुकाबले में उम्मीदवार नहीं है, लेकिन टिकटों के वितरण के ऐसी हवा चली क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उदय भान जी की जो एक सोच थी और कांग्रेस हाईकमांड ने उस सोच को माना। राहुल जी तो शुरू से ही कह रहे हो डेमोक्रेट हैं पूरे, कि भाई जिसका भी सर्वे में नाम आएगा सर्वे कराओ उसी को टिकट दे, अगर सर्वे के हिसाब से टिकटें ना मिलती ना मुझे टिकट मिलती ना सतपाल जी महाराज को ब्रह्मचारी जी को टिकट मिलती ना धावन सिंह को टिकट मिलती,
तो ना बुद्धि राजा को टिकट मिलती, तो जो हमें टिकटें मिली हैं ये सर्वे के हिसाब से मिली, बिना थोड़ा कुर्ता पजामा पहरे भी चले जाओ जो लोगों के बीच में, क्यों क्या दिक्कत है, ये पकड़ जा रहे बाप कितने जाऊंगा जवाब बताऊंगा नहीं मैंने आपके साथ जिस तरह मेरी कल बात हुई थी सुबह 7 बजे आपने बुलाया था, मैंने सोचा नेता जी कहने दे 7 किलो 8 करे दे, वही मैंने देखा 7 बजे आप बाढ़ देखकर चले गए इतने कैंपेन, 7 बजे तो मैं दूसरी जगह से आया देखो राजनीति में एक कुर्सी दो मोहित को भाई राजनीति में समय नहीं होता, चुनाव में युद्ध में आदमी ने तैयार रहना चाहिए 24 घंटे सैनिक की तरह, काम बंद है बंदे बंदा है काम तो अच्छा, लोग मेरे बंदर आपने कहा राजनीति में समय नहीं होता तो सेटिंग होती है ना, सेटिंग मेरी तो होती है नहीं, मेरी तो लोगों के लिए सेटिंग हो नेताओं के लिए तो होती नहीं, नहीं आपकी मदद नहीं करवाई नवीन जिंदल ने इस हार में, नहीं है? नहीं हुआ, नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया भीतर की बाप कह लो ना जमा लिखट रही है, नहीं फिर नवीन जिंदल पर भी तो मदद लेनी होगी, क्या की नवीन जिंदल की मदद तो करी होगी कुछ ना, क्यों करूं, अच्छा नवीन जिंदल की मदद करता तो गुप्ता यहाँ से 17,000 से कैसे जीतता जी, अच्छा 2014 में आपने आपको एक आपने कहा था मेरा लाडला भतीजा है उसकी बड़ी मदद करी थी 2014 में एमपी के तौर पे, अरे थोड़ी यार लगता है नहीं बदला ओ, किमन किमे देखो हाँ। वैसे तो राजनीति परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है जी, राजनीति में ना कोई दोस्त होता ना दुश्मन होता, हर चुनाव में एक फर्क बताऊ मैं, बाय इलेक्शन था आदमपुर का मैं हारा और 1.5 साल के बाद उसी आदमपुर से मैं लोकसभा में जीत्या, जो हर एक चुनाव होता है उसमें जो दोस्त कई बार बहुत नजदीक के होता नाराज हो जाता है और कई बार बहुत ज्यादा नाराज व्यक्ति जिसका सोचा भी होगा कि साथ दे देगा वो साथ दे देता, लोग जो चुनाव हुआ तो यही तो एक चीज थी, अच्छा के चुनाव में कई बार कह दें लोग बोले नरवाना तो वोट मांगना है जे, तो कलायत का जो अब चुनाव चल रहा है आपके बेटे विकास की बात हम करें तो आदमपुर के भी है, आदमपुर क्या जी उनके कोई पाबंदी है, ये आदमपुर यहाँ तो वहाँ भी आ सके क्यों नहीं आए, इनका भी आएगा वोट मांगने तो ये समर्थन की बात है, अब ये कंडेला सॉरी कुंडू खाप के हैं प्रधान है रोहतक से आए हैं, अब ये कहाँ पाबंदी है यार, एक तो सारा दिन तम ये नारा क्या करो उस एरिया से आगे उस एरिया से आगे, जब चुनाव होता है तो जो साथी जिसके लिए जिसकी आस्था और विश्वास है तो वहाँ वोट मांगने जाता ही है, हम भी तो चुनाव नहीं होगा राजस्थान में कौन से रिश्तेदारी उड़ जावा, अब पंजाब में जावा, अब हम उत्तराखंड में जावा, अब हिमाचल में जावा, तो हम भी तो जावा दिल्ली में जाएंगे अभी 6 महीने के बाद, आपके एक बयान पे बवाल मच रहा है लाली पाउडर वाला बयान जो है वो नून भेड़ पट रहा, जयप्रकाश ने दिया किस पे, अब तो खत्म होली बात, खत्म होली इलेक्शन में उठे से बात बस बिना इलेक्शन ऐसी चीजें कुछ नहीं थी, ये चुनाव है चुनाव में चलते रहते हैं, मास्टर प्लान क्या जयप्रकाश जी का मास्टर प्लान क्या, क्योंकि कलायत में एक अग्नि परीक्षा आपकी कि भाई मैं जिद्दी हूँ मैं जीत्या करूँ और 4 बार एमपी रह लिए 2 बार विधायक रह लिए, अब आपने आगाज करवाना आपके बेटे का तो कई तरह की बात चलेंगी, आप हर चीज का तोड़ लेके चल रहे हो, देखिए राजनीति में ना तो कोई जिद पर चलता जिद नहीं होता कभी, सिद्धांत होता है राजनीति में, जिद नहीं होती राजनीति में सिद्धांत होता है, जिद नहीं जिद का तो मैंने जिन्हें जिद करनी अपना घर आ रहा हूँ, सिद्धांत ऐसा लगता है जयप्रकाश जी नेता का हो सकता है राजनीति पार्टियों का तो सिद्धांत मैंने कम देखे है, पार्टियों के भी है पार्टियों के सिद्धांत है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी में बड़े नियम और सिद्धांत है, भाजपा की तरह नहीं है, उधर से उठाया उधर रख दिया उधर से उठाया यहाँ से उठाई गुट यहाँ फिट कर दी, कांग्रेस पार्टी ने जो असेंबली की टिकटें बांटी है जो उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही थी जी। उसमें दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे सब लोग कि वे अब की बार टिकटें मेरिट पे देंगे सर्वे पे देंगे ऐसे नहीं देंगे बिना सर्वे, और ये बात भी सही थी कि बीजेपी के लोगों में थोड़ा सा सांस आया जब तक तो कांग्रेस की लिस्ट आउट नहीं, एक दिन पहले तो बीजेपी ये कह रही थी कांग्रेस का संगठन नहीं है
और हमारा तो संगठन बड़ा विश्वव्यापी है, हमारा ये वो है। आज जैसे कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हुई, आप ये देखिए देवेंद्र हंस, कभी सोचा था एक साधारण गरीब परिवार से, और हमारे यहाँ तो इस पार्लियामेंट क्षेत्र में तो बहुत आम नए बच्चों को टिकटें मिली हैं। इसी तरीके से आप करनाल में जाइए, कुरुक्षेत्र में जाइए, हर जगह जींद में जाइए, नए लड़कों को टिकटें दी, नौजवानों तो यूथ को प्रोत्साहित ही नहीं किया, बल्कि जो बढ़िया यूथ था चुन चुन करके उनको लड़वाने का काम किया। तो इसलिए राजनीति में उनमें विकास भी एक शामिल है, सर्वे हुआ है, सर्वे पे टिकट मिली है। तो इसमें ये बात कहना कि वे मैं केवल मेरे बेटे के लिए नहीं, मेरे सारे ही बेटे हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है मैं हर किसी की मदद करने जा रहा हूँ। विकास के लिए लगे हुए नहीं, ये विकास, विकास दो प्रकार, ये बड़ा विकास दो प्रकार का, एक विकास सारण है तो ये बड़ा विकास पूछ रहा हूँ, ये विकास किस विकास के लिए? ये विकास हम करेंगे, मैं तो हर जगह जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार है वहाँ जा रहे। आपका इतना तजुर्बा हो गया राजनीति का, तो क्या है आपकी भविष्यवाणी, क्या है, क्या लगता है, चुनौती मान रहे हो किसी के साथ, कंपटीशन है या सारे जिस तरह नेताओं के बयान होते भाई कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्या होता है? जब भी चुनाव होता है टक्कर तो होती है, ये तो अहंकार की बात है, लेकिन अब की बार जो कलायत के लोगों का वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत ज्यादा है। उल्का पिंड भी है बीच में कुछ है, उल्का पिंड जो से वोट शाम खड़े हैं कुछ, दो पार्टी तो काम कर ही रही है। अपने देखा गोपाल गोपाल कांडा बयान देता है कि भाई मैं जीतूंगा और जीतते ही बीजेपी में जाऊंगा, वो सहयोगी है लोकदल का अभय चौटाला का, और अगले ही दिन ने एक दिन छोड़ के अगले दिन जैसे विड्रोल पे बैकवर्ड क्लासेस का एक उम्मीदवार था सरसा में, पहली बार है किसी नेशनल पार्टी ने अपना उम्मीदवार का विड्रोल करा करके क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन दिया है, तो इसका मतलब ये जो लोकदल है इंडियन नेशनल लोकदल तो वोट काटू है जी। और जेजेपी तो है वोट काटू, आपको पता है, तो जो भी बीजेपी कहती है इन दोनों को, लोकदल को और जेजेपी को, जो बीजेपी कहती है वही करते हैं जी। तो मैंने पूछ लिए ना, मेरे को समझ में नहीं दो तरह जी करो पूछ, ये था इसमें कि भाई मेरा खुला, देखो आम आदमी पार्टी के साथ जब अलायंस होना था आप लोगों का, ऐसा सुनने में आया कि भाई आप की जीत थी जिस वजह से अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि कलायत बांटते मावती आम आदमी पार्टी का जीत फिर गया, जीत नहीं थी, मेरा एक सिद्धांत था जी। क्योंकि कलायत विधानसभा क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुप्ता जी को वोट मिली थी वो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से मिली थी, तो ये हमारी मजबूत सीट थी कांग्रेस की, हमने जिद नहीं की, हमने कहा कि तुम ये कलायत छोड़ करके कहीं और ले लो भाई। चलो सवाल तो और भी बता रहे हैं, लेकिन फील्ड में पूछेंगे जो कुछ सवाल होते लिए भाई बाकी अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खड़े हो समर्थक खड़े हैं, क्या लग रहा है अभी मतलब, अरे भाई मुंह क्यों फिरेगा था, क्या बात होगी, एक जना नून घूम गया पक्ष तर पद नहीं आप पक्ष ले, अच्छा नू बताओ क्या लग रहा है भाई, जयप्रकाश जी का जो तजुर्बा है राजनीति का उसके हिसाब से कलायत में बाजी मार देंगे? आठा क्या बताओ एक बार, कोई नहीं टक्कर में, चलो ये प्रधान के लड्डू बढ़ जाएंगे। अच्छा हलवा तो ले रहा है बीबी, हाँ जी हाँ, तूफान बढ़ रहे तूफान बढ़ रहा, और चिड़ाई भी लग गई भाई, चिड़ाई दिखे देखो खत्म होने लिया था। चलो इब राजनीति की चिड़ाई में देखा किसका लेंटर पक्का किसका कच्चा, देखने वाली बात यार होगी। फिलहाल जयप्रकाश जी से मैंने सवाल करे हैं, जलेबी बरगे सिद्धर करेला बरगे मिठे, हालांकि जवाब भी इसे दे वही है, जलेबी बरगे सिद्धर करेला बरगे, मेरे सवाल तो हैं इसे लेकिन जवाब भी प्रधान जी से दे।
तो आपने के लागे कलायत में खेरा होगा और खेरा होगा अच्छा चलो है एक बात तो है प्रधान जी एक चीज और मैंने देखा भाई घन करे आपके वर्कर इसके लीला के प्रोग्राम में दिखे की जासूसी लेने भेजा है हमारा कोई वर्कर लीला के प्रोग्राम में चुनाव में कभी जासूसी नहीं पब्लिक मंच पे जाते हैं पब्लिक के सामने बातें होती इसमें जासूसी की क्या है यहाँ कोई जासूसी चलो जासूसी जिंदगी में नहीं करी आप कबड्डी के प्लेयर एक बार थापी तो दे दो एक बार दो देखो भाई प्रधानमंत्री चलो चलो फिलहाल चलो जयप्रकाश जो पूरो मतलब पूरो गए तो फिलहाल एमपी है चार बार एमपी दो बार विधायक रहे और सवालात थे कुछ नुआ सवाल का सिलसिला हमारे और नेताओं पर भी जारी रहूंगा फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए बहुत बहुत धन्यवाद।